हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पावर के यूट्यूब चैनल पर आज आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। काफी दिनों से आप लोग की क्लास नहीं चल रही थी, सिचुएशन आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। आप लोग को मालूम होगा कि भारतीय इतिहास के लिए आज बहुत ही सुनहरा अवसर है और उसी अवसर पर हम लोग सक्सेस पावर की क्लासों को दोबारा चालू कर रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई टीम के साथ। तो आप सभी लोग को सबसे पहले तो सबको इन्फॉर्म कर देना है कि जो सक्सेस पावर पिछले 4 महीने से नहीं चल रहा था ऑफलाइन के क्षेत्र में, तो आज क्लासों को हम लोग ऑनलाइन लेके चलेंगे जब तक सिचुएशन नहीं सही हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कुछ वैकेंसियां इस दौरान आई हुई हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे कि उस वैकेंसियों में उनका क्या क्या डिटेल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अभी एक वैकेंसी कल ही अनाउंस हुई है जो IBPS की वैकेंसी है, जो लोग बैंक की तैयारी करते होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और काफी मायने रखती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या आएगा, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या क्या इसका पैटर्न है, इसके एग्जाम कब होंगे। आपको सभी लोग को मालूम होगा कि जो IBPS PO का एग्जाम है इसमें आपका 3 क्राइटेरिया होता है, एक आपका प्री होता है, देन आफ्टर आपका मेंस होता है, और जो लोग मेंस में क्वालिफाई करते हैं उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट एक ब्रीफ हम लेते हैं उस नोटिफिकेशन का। तो देखिए, सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बताएं, तो ये वैकेंसी जो आपकी अनाउंस की जाती है ये आपका IBPS करता है, ठीक है। इस वैकेंसी को जो बोर्ड अनाउंस करता है वो करता है IBPS, सभी लोग को मालूम होगा, ठीक है। IBPS की तरफ से वैकेंसी अनाउंस की गई है। अब देखिए, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए, अगर डेट की बात करें तो ये आपका वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा ये 5 तारीख से शुरू होगा, 5 अगस्त आज ही के दिन से, और इसका कब तक चलेगा, लास्ट डेट कब तक है, तो 26 तारीख है। लास्ट डेट का आप लोग इंतजार मत करिएगा क्योंकि पता चल रहा है लॉकडाउन चल रहा है, तो जहां से भी आपको फॉर्म फिल करने की सुटेबिलिटी हो वहां जाके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। आप खुद भी फिल कर सकते हैं लैपटॉप के थ्रू, ये फॉर्म आपका मोबाइल पे नहीं फिल होगा, ठीक है। मोबाइल से आप इसको फिल नहीं कर सकते, लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, फॉर्म आपका निकला है 5 अगस्त को निकला है और 5 अगस्त से फॉर्म फिल करना भी शुरू हो गया है। लास्ट डेट है इसकी 26 तारीख। देखिए, अब इसका जो लोग कैटेगरी वाले होंगे, मतलब SC ST जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए एग्जाम से पहले एक प्री ट्रेनिंग भी कराई जाती है, तो वो प्री ट्रेनिंग का जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा वो सितंबर में आ जाएगा, सितंबर 2020 में, ठीक है। अब देखिए, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो आपका अक्टूबर में होगा, और जो आपके एग्जाम्स की डेट है, ऑनलाइन एग्जाम्स की डेट है वो कब कब है, आपके 3 अक्टूबर को है, 10 अक्टूबर को है और 11 अक्टूबर को है। 3 डेट्स में आपके एग्जाम कराए जा रहे हैं और इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो आपके अक्टूबर लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको मालूम है कि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, और ये मेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो नवंबर में होगा, ठीक है। और जो उसका एग्जाम लिया जाएगा वो आपको 28 नवंबर का आपको एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा ये दिसंबर में अनाउंस होगा, ठीक है। देन आफ्टर आपका इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो जनवरी में होगा, और आपका जो इंटरव्यू जो कंडक्ट कराएगा, ठीक है, वो कब कराएगा, आपका जनवरी फरवरी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दीजिएगा, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि IBPS जो भी एग्जाम कराती है उसका जो रिजल्ट निकालती है वो 1 अप्रैल को निकालती है। 1 अप्रैल को जितने भी एग्जाम इस साल कंडक्ट कराएगी IBPS उन सभी का रिजल्ट 1 अप्रैल को अनाउंस कर दिया जाता है विद आपके कंसर्निंग बैंक की किस बैंक में आपका हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसके बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या है, तो देखिए एज लिमिट की बात किया जाए, सबसे जो इम्पोर्टेंट इस समय बहुत लोग के पास सिचुएशन होती है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज आपका है 20 साल और मैक्सिमम एज जो है आपका 30 साल है, ठीक है।
अब देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट का जो एज रिलैक्सेशन है वो कितना साल है, 3 साल है, ठीक है। और ये जो काउंट करना है आपको, वो आपको काउंट करना है, जो आपको एज काउंट करना है वो कहां से काउंट करेंगे आप, 1/8/2020 को लेके, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना कि आपको काउंट कहां से करना है, ठीक है। आप देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, और प्री एग्जाम की बात करेंगे क्या क्या आएगा, किस किस चीज पर आपको फोकस करना है। तो देखिए प्री एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम पैटर्न देखिए बहुत बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे पहले से, थोड़ा सा पीओ का लेवल हाई होता है। अब देखिए पीओ में आपके प्री एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो देखिए प्री एग्जाम में 3 सेक्शन आते हैं आपका, पहला इंग्लिश का सेक्शन रहेगा, दूसरा क्वांट का रहेगा, और तीसरा रीजनिंग का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए तो इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होता है, ठीक है, और क्वांट और रीजनिंग में 35 होता है। और जो इसका मार्क्स होगा वो आपका इंग्लिश का 30 होगा, रीजनिंग का 35 और इंग्लिश का मैथ का भी 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे, और इनका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो भी 100 होगा, ठीक है। और देखिए अब इसमें सेक्शनल टाइम दिया जाता है, जो आपका इंग्लिश का टाइम होगा वो 20 मिनट होगा, जो आपका मैथ का टाइम होगा वो भी 20 मिनट होगा, और जो आपका रीजनिंग का टाइम होगा वो भी 20 मिनट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम स्टार्ट होगा, सबसे पहले इंग्लिश आएगी, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, टाइम भी 20 होगा, देन आफ्टर उसके बाद फिर अगले 20 मिनट आप क्वांट का पेपर दोगे, फिर उसके बाद आप रीजनिंग कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से आपका मेंस का एडमिट कार्ड आएगा। और देखिए मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेंस में क्या क्या आता है, तो देखिए मेंस में सबसे पहले आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये दोनों एक साथ आता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 45, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो कितना होता है, 60 होता है। और इसके लिए जो आपका इंडिविजुअल टाइम दिया जाता है कितना दिया जाता है, 60 मिनट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जीए का पोर्शन होगा, जीए में आपका इकोनॉमिक भी आता है, बैंकिंग भी आता है, करंट भी आता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 40 होगा। और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है कितना दिया जाएगा, 35 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। हर सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, उसके लिए क्वेश्चन 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा। इसके लिए भी जो इंडिविजुअल टाइम दिया जाएगा कितना दिया जाएगा, 40 दिया जाएगा, ठीक है, 40 मिनट। उसके बाद डीआई और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसमें जो मैथ के सेक्शन में केवल डीआई आता है, इसके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35 होंगे, जो मैक्सिमम मार्क होगा 60। देखिए जो आपका मैथ होगा सबसे ज्यादा मायने रखेगा, 60 मार्क्स का, ये बोथ लैंग्वेज में होगा, और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा 45 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 155, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 200, और ये टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम भी होता है, जो आपके कैपेबिलिटी को चेक करता है कि आपकी रिटन कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है। तो वो आपका रिटन एग्जाम होगा, इसमें आपका लेटर राइटिंग आएगा और एस्से आएगा, ये आपका इसमें 2 क्वेश्चन होगा, एक लेटर राइटिंग का और एक एस्से का। इसका जो मार्क्स होगा 25 होगा, इंग्लिश मीडियम में लिखना होगा, और ये 30 मिनट का होगा एग्जाम। जिस दिन आपका मेंस एग्जाम होगा तो ये 4 सेक्शन के बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा 10-15 मिनट का, उसके बाद से आपका ये एग्जाम हो जाएगा रिटन एग्जाम उसी दिन, ठीक है। और जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम की बात हुई, और बहुत ही मेहनत से आप लोग तैयारी करें। देखिए वैकेंसी की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस ईयर्स लास्ट ईयर्स की तुलना में बहुत ही कम वैकेंसी आई है, टोटल 1167 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1164 है, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 1164, ठीक है। और अलग अलग बैंक्स में भी दिया गया है टोटल, इसमें जो पार्टिसिपेटेड बैंक्स हैं वो कितने, टोटल 11 बैंक्स हैं। और इसमें अनरिजर्व की जो सीट है, देखिए अनरिजर्व की सीट है आपकी 587। इसमें अनरिजर्व में भी आप EWS इकोनॉमिक वीकनेस सेक्शन है, इसमें कितनी सीट है, 118 है। ओबीसी की सीट है 233,
एसटी की सीट है 71 और एससी की सीट है 159, ठीक है। तो जो लोग भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस लॉकडाउन में आप सभी लोग घर पे हैं, तो सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या एग्जाम है, कब कब एग्जाम होगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न्स है, ठीक है। अब उसके बारे में जो कुछ भी और भी आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उस पर हम एक अलग इंडिविजुअल वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेकर आएंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा, लास्ट ईयर एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में क्या आया था, मैथ सेक्शन में क्या आया था, इंग्लिश सेक्शन में क्या आया था, ठीक है। जीए के लिए आपको डेली करंट आपको करवाया जाएगा यहाँ पर। तो धीरे धीरे हमारे सारी जो टीम है वो मिलकर आपको एक अच्छा बैंकिंग प्रिपरेशन यहाँ पर तैयार कराएगी और आपके प्री एग्जाम तक कोशिश करेगी कि प्री एग्जाम का सारा सिलेबस कवर करा दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका डाउनलोड का जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन हमने आईबीपीएस की साइट से डाउनलोड की हुई है, तो आप भी वहां से डाउनलोड करके, और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप बैंकर बनना चाहते हैं, देखिए इस सिचुएशन में आपको समझ में आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब है वही एक सिक्योर जॉब है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस सिचुएशन में बहुत भी जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे उनको सैलरी की दिक्कत हुई, जहां जॉब करते थे वहां से दिक्कतें पैदा हुई। तो आप एक सिक्योर लाइफ अगर चाहते हैं अपने करियर के लिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होगी मन लगाकर, और अभी जितनी वैकेंसियां आ रही हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने अगले एक दो साल के लिए वैकेंसियों पर थोड़ा सा रोक लगा रखा है, ठीक है। तो जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं उन वैकेंसियों पर आप मेहनत करिए और उसी में सिलेक्शन लेने की कोशिश करिए, और अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा, हमारी टीम पूरा सहयोग करेगी उसमें। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हम लोग उसको दूर करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।